हेलो व्यूअर, मैं हूं पंकज और आप देख रहे हैं फिट ज्ञान यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम मार्च महीने के करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन लाए हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ज़्यादा समय खराब नहीं करते हैं, शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन नागरिक उड्डयन मंत्रालय और FICCI द्वारा किया गया। रिसेंटली इन विच सिटी विंग्स इंडिया 2022 वॉज ऑर्गेनाइज बाय द मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन एंड FCCI। आपकी ऑप्शन है ए मुंबई, बी बेंगलोर, सी तेलंगाना, की डी हैदराबाद। अब देने के लिए 5 सेकंड का टाइम मिलेगा, आपका समय शुरू होता है अब। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है डी, हैदराबाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, रिस्ट एक्सियोड इन ऑटोबायोग्राफी को किस पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान की जीवनी पर लिखा गया है। रिस्ट ऑक्सियोर एन ऑटोबायोग्राफी इन रिटर्न ऑन द बायोग्राफी ऑफ विच फॉर्मर इंडियन क्रिकेट कैप्टन, ए कपिल देव, बी गुंडप्पा विश्वनाथ, सी सचिन तेंदुलकर, की डी सुनील गावस्कर। इस जवाब को देने के लिए आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा, आपका समय शुरू होता है अब। चल भाई शुरू हो। तो इसका सही जवाब है बी गुंडप्पा विश्वनाथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, हाल ही में किस राज्य में डोल उत्सव रंगों का त्यौहार मनाया गया है। रिसेंटली इन विच स्टेट डोल उत्सव फेस्टिवल ऑफ कलर्स हैज बीन सेलिब्रेटेड, ए गुजरात, बी वेस्ट बंगाल, सी तमिलनाडु, की डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब है बी वेस्ट बंगाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हाल ही में एन वीरेन सिंह ने अपने दूसरे कार्यकाल के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। रिसेंटली एन वीरेन सिंह हैज टेकन ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट फॉर हिज सेकेंड टर्म्स, ए मिजोरम, बी मणिपुर, सी गोवा, की डी पंजाब। तो इसका सही जवाब है बी मणिपुर, जो हाल ही में इलेक्शन हुए थे उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट, ए ऑप्शन है आप पर 20 मार्च, बी 21 मार्च, सी 28 फरवरी, डी 19 मार्च। तो इसका सही जवाब है बी 21 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में सबसे निचले स्थान पर कौन सा देश रहा। विच कंट्री वॉज रैंक लोएस्ट इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ए पाकिस्तान, बी ऑस्ट्रेलिया, सी चाइना, की डी अफगानिस्तान। तो इसका सही जवाब है डी अफगानिस्तान। सब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, हाल ही में बाजार पूंजीकरण में के मामले में किस देश ने दुनिया के शीर्ष 5 क्लबों में प्रवेश किया है। विच कंट्री हैज रिसेंटली एंटर द टॉप 5 क्लब्स इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, ए इंडिया, बी पाकिस्तान, सी चाइना, की डी नेपाल। तो इसका सही जवाब है ए इंडिया। तो इंडिया ने के 5 क्लबों में प्रवेश कर लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया। When was the National Immunization Day celebrated recently? 14 मार्च, बी 17 फरवरी, सी 16 मार्च, की डी 20 मार्च। तो इसका सही जवाब है सी 16 मार्च को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में स्कूल बच्चों के लिए युवा विज्ञान कार्यक्रम युविका का आयोजन किसने किया है। रिसेंटली हु हैज ऑर्गेनाइज द यूथ साइंटिस्ट प्रोग्राम युविका फॉर स्कूल चिल्ड्रन, ए NASA, नासा, बी CNES, सी CNSA, की डी इसरो। तो इसका बहुत ही ऑब्वियस आंसर है डी इसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारत द्वारा अपने दूतावास को यूक्रेन से किस अन्य देश में अस्थायी रूप से शिफ्ट किया गया है। रिसेंटली इंडिया हैज टेम्परली शिफ्टेड इट्स एम्बेसी फ्रॉम यूक्रेन टू विच अदर कंट्री, ए USA, बी पोलैंड, सी जापान, की डी जर्मनी। तो
इसका सही जवाब है डी, पोलैंड। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स तक जाए वीडियो, तो वीडियो को शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। सी यू गाइस नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।